ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ. साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर की ओर से शहर में हर महीने सेवा भाव से डॉक्टर कांकरिया नेत्र शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार भी शहर के होटल रविराज में साई सूर्य नेत्र सेवा की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। काफी दूर दूर से पेशेंट अपनी आंखों को दिखाने यहां आए थे। इस वक्त डॉक्टर कांकरिया ने बताया कि अपने छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना यानी उनकी आंखों के साथ खिलवाड़ करना होगा, तो कृपया अपने छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखें। साथ ही बताया एडवांस टेक्निक के जरिए 0.5 से लेके -30 पॉइंट तक का चश्मा आप उतारा जा सकता है। लेजर कंट्यूरा टेक्निक के बदौलत अब चश्मे हमेशा के लिए उतारे जा सकते हैं। आपकी भी आंखों से संबंधित कोई समस्या हो तो आप डॉक्टर कांकरिया जी से मिलकर अपनी परेशानी अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। और विशेषकर लड़कियों को जिनको चश्मे है उनकी शादियों की दिक्कतें काफी बढ़ गई है। और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत छोटे एज में बच्चों को, एक तो पहले टेलीविज़न था, अभी कंप्यूटर्स आ गए, अभी मोबाइल आ गया, अभी आठ आठ नौ नौ महीने के बच्चों को वो रोना नहीं बोल के उनके माँ बाप उनके सामने मोबाइल के ऊपर कोई वीडियो चला कर उसको दिखाते हैं। क्या होने वाला है बच्चों का इतनी कम उम्र में, जो आँखों के ऊपर अतिरिक्त जो ये तनाव आ रहा है इसके कारण ये बच्चों को बहुत कम एज में बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं। और ये सभी जो पालक हैं उन्होंने इस बात का ख्याल रखे कि उम्र के 12 से 14 साल तक मोबाइल का यूज़ बिल्कुल बंद करें। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे ही नहीं, वो खिलौना नहीं है, वो आप उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। और ऑफकोर्स जिनको अभी चश्मे के नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं, चश्मे आ रहे हैं उनके ऊपर इलाज कर सकते हैं, मगर ये नौबत क्यों लाना है। उनकी आंखें आप अच्छी रखिए, उनको खाने में थोड़ा ख्याल रखिए। अभी फास्ट फूड का, जंक फूड का ज़माना है और आपने देखा होगा कि आजकल ये जंक फूड के कारण भी बच्चों के आंखों के ऊपर और शरीर के ऊपर बहुत असर हो रहा है। अभी नई नई जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इससे -0.5 से लेकर -30 नंबर तक अभी चश्मे पूरे के पूरे उतार सकते हैं, 10-18 नंबर तक भी चश्मा उतार सकते हैं। और सबसे मेन जो है कि ये चश्मे जो जाते हैं वो हमेशा के लिए जाते हैं, वापस आते नहीं हैं। ये लेज़र कंटूरा जो है, ये नई जो टेक्नोलॉजी है जिसमें सिर्फ चश्मा ही नहीं जाता है तो चश्मे से भी अच्छा आप बगैर चश्मे का देख सकते हो। अभी 40 के बाद के भी जो चश्मा है, जो किसी महिलाओं को पढ़ने के लिए लगता है, नज़दीक के काम के लिए लगता है, वो चश्मा नहीं पहनना चाहते हो तो ऐसे चश्मे भी उतार सकते हैं। अभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी जो चश्मे लगते थे पहले, अभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी आपको दूर का और नज़दीक का जैसे आप जवानी में देख सकते थे वैसा अभी बगैर चश्मे के आप जवानी में जैसा देखते थे वैसा देख सकते हो। ये साइंस की बहुत बड़ी देन है, मगर ये साइंस की देन जो है वे खर्चीली भी है। अपने यहाँ भारत में आप जानते भी हो कि आरोग्य समस्याएं ज़्यादा हैं और जो आरोग्य के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो सामान्य लोगों के हाथ के बाहर जा रहा है। तो ऐसे शिविरों के माध्यम से हम ऐसे सब जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है ये लोगों के लिए उपलब्ध करा के देते हैं ताकि उनके ज़िंदगी में वो फिर से कामयाब हो पाएँ, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाएँ, उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। ये विज्ञान के ऊपर विश्वास रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, मैंने जो बताया कि बच्चों के सेहत के तरफ, बच्चों के आँखों की सेहत की तरफ आप प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ पूरा ख्याल रखिए।